अस्सलाम वालेकुम, आज मैं रूडा के एक प्रोजेक्ट पे मौजूद हूँ जो रिवर रावी के अराउंड बनने जा रहा है। 46 किलोमीटर तवील ये जो है ये प्रोजेक्ट होगा। रेजिडेंशियल और कमर्शियल यहाँ पे एक्टिविटीज़ होंगी। उसके बाद इसका जो टोटल एरिया होगा वो 1,10,000 एकड़ होगा, जो कि बहुत बड़ा इसका एरिया बनता है, जो रावी सैफन से स्टार्ट हो के बैरिया के करीब तक ये जो है ये तवील यहाँ पे एक हाउसिंग प्रोजेक्ट बनेगा, जिसमें लो कॉस्ट हाउसिंग प्रोजेक्ट्स भी होंगे, अपार्टमेंट्स, फ्लैट्स वगैरह। उसके बाद इसमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की बिल्डिंग भी होंगी। उसके बाद इसमें फाइनेंशियल स्क्वेयर्स होंगे। उसके बाद यहाँ पे मुख्तलिफ जो है वो ब्लॉक्स होंगे, जिनमें हेल्थ सेक्टर का, स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट वगैरह, ये सारी चीज़ें यहाँ पर एक ही जगह में आपको मिलेंगी। बेसिकली ये जो अथॉरिटी है, ये जैसे लाहौर जैसे शहर को ये एक नई लुक देने जा रही है रावी के करीब। अगर मैं रावी की बात करता हूँ तो इस वक्त मैं रावी पे ही मौजूद हूँ। अगर आप देख सकें तो रावी में जो पानी है वो बहुत ही कम हो चुका है। 1985 से 1995 तक यहाँ पर पानी जो है वो फिर भी कदरे बेहतर था, लेकिन अब आगे 2009 से अब तक ये बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। इसमें सिर्फ बारिशी पानी जो है वो हमें देखने को मिलता है। उसके अलावा यहाँ पे हमें जो आपको थोड़ा सा ये लिक्विड नज़र आ रहा है, ये मैक्सिमम जो है ये सीवेज का पानी है, जो अलग अलग बस्तियों से, आबादियों से रावी के अंदर दाखिल किया जाता है। उसके बाद इंडस्ट्रियल वेस्ट है, जो अलग अलग फैक्ट्री से रावी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। इसके दो तीन नुकसान हैं। एक तो ये आबी जितने भी जानवर हैं उनको नुकसान देती है, उसके बाद परिंदे वगैरह जो और दूसरे जानवर यहाँ से पानी पीते हैं वो उनके लिए मुज़रे सेहत है, और कई मवेशी यहाँ पर आते हैं, पानी पीते हैं, नहाते हैं, और उनका बाद में हम दूध इस्तेमाल करते हैं या गोश्त इस्तेमाल करते हैं, तो वो मुज़रे सेहत है। उसके बाद दूसरा इसका जो नुकसान है वो जो अंडरग्राउंड वाटर है उसको ये कंटेमिनेट करता है। हमारा यहाँ पर जो पानी का सबसे बड़ा सोर्स है वो अंडरग्राउंड वाटर है, यानी बोर किया जाता है शहर लाहौर में और वहाँ से पानी निकाल के इस्तेमाल किया जाता है। तो ये पानी जो है आलूदा पानी उस अंडरग्राउंड वाटर को आलूदा करता है, जो बाद में जनरेशन्स को तबाह करता है। आलूदगी के साथ ऐसी बीमारियाँ लेकर आता है जो लाइलाज होती हैं या जिनका इलाज बड़ा मुश्किल से होता है, बड़ा महंगा इलाज होता है। यहाँ पर जो प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है वो इस रावी के पानी के लिए बड़ा बेहतरीन है, क्योंकि रावी तो वैसे बंद हो गया। आप देख सकते हैं कि पहले जो सैलाब आया गुज़िश्ता महीनों के अंदर तकरीबन आधा पाकिस्तान उसकी लपेट में था, लेकिन रावी के अंदर पानी देखने को नहीं मिलता था। तो इसका मतलब है कि रावी जो है वो अब सिर्फ नाम का दरिया रह गया है। तो इसको क्या किया जाएगा, एक झील टाइप बना के इसकी दोनों साइड्स पे आबादी बनाई जाएगी, और उस आबादी के अंदर आपको मॉडर्न फैसिलिटी मिलेंगी। मॉडर्न के साथ साथ वहाँ पे आपको ग्रीनरी भी देखने को मिलेगी, जिसमें सबसे ज़्यादा जो प्रमोट करेंगे वो वर्टिकल फार्मिंग को प्रमोट किया जाएगा, जिसमें आपको छोटी जगह के अंदर ज़्यादा ग्रीनरी देखने को मिलती है, वहाँ से ज़्यादा जनरेशन, ज़्यादा आउटपुट देखने को मिलती है। लाहौर सुबह पंजाब का सबसे बड़ा शहर है, और यहाँ पर आपको 10 मिलियन लोगों की आबादी मिलती है। ये जो प्रोजेक्ट बनने जा रहा है इसकी गुंजाइश भी 10 मिलियन लोगों की है, यानी यहाँ पे ज़्यादा अपार्टमेंट्स होंगे, उसके बाद इसमें ग्रीनरी भी होगी, हर चीज़ यहाँ पे आपको फैसिलिटेट करने के लिए अवेलेबल होगी। ज़्यादा प्रमोशन जो है यहाँ पे वो अपार्टमेंट्स की और हाई राइज बिल्डिंग्स की जाएगी, ताकि हम जो अपना ग्रीन एरिया जो फार्मिंग पंजाब की है उसको डिस्टर्ब ना करें, और बजाय इसके कि हम हॉरिजॉन्टल जाएं अब हम वर्टिकली ग्रो करें और छोटे स्पेस के अंदर ज़्यादा फैमिलीज़ को एडजस्ट कर सकें। अब आते हैं ग्राउंड की तरफ। ज़मीनें आपके सामने हैं। अब गवर्नमेंट जो है वो बाय कर रही है। बाय किस तरह से कर रही है, ऐसा नहीं है कि मतलब जो मार्केट रेट चल रहा है उससे नीचे रख के किसानों से नहीं ख़रीदी जा रही, बल्कि मार्केट रेट पे ही किसानों से ज़मीनें ली जा रही हैं। प्लस उनको ज़मीन की वैल्यू के मुताबिक पैसे देने के साथ साथ उनको फाइल्स भी दी जा रही हैं। उन फाइल्स में 14 मरला, 7 मरला कि कुछ रेजिडेंशियल फाइल्स जो हैं वो मार्केट में फ्लोट होती भी नज़र आ रही हैं। अभी तक हमें ये कंफर्म नहीं है कि कौन सी फाइल्स जो हैं वो ऑथेंटिक हैं, कौन सी नहीं है, तो इसके लिए मैं एक लिस्ट दे दूंगा। उस लिस्ट को आप देख सकते हैं। उस लिस्ट के अंदर जितने भी इनके ऑथराइज सेल्स पार्टनर्स हैं, ऑथराइज डीलर्स हैं, उन सब के नाम और फ़ोन नंबर होंगे। जब भी आप एक फ़ाइल बाय करें तो सबसे पहले उनको कॉल करके ऑथेंटिक फाइल है या नहीं है इसको आप श्योर कर लें, उसके बाद आप फाइल बाय करें।